परमपिता परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय, तुम कहाँ हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हारे समक्ष ही हूँ, फिर भी तुम ख्यालों में डूबे हुए हो। हाँ, मैं इस क्षण तुम्हारे सामने ही उपस्थित हूँ। क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आओ मेरे पास बैठो। कुछ क्षण सांसारिक संबंधों एवं परेशानियों को त्याग दो। पूरा ध्यान मेरी बातों पर दो। क्या तुम जानते हो तुम्हारी उपस्थिति कहाँ से हुई है? तुम कहाँ से आए हो? तुम कौन हो? और तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? क्या यह बात तुम जानते हो? मेरे प्रिय, ब्रह्मांड के सभी जीवों की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। तुम भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हो। अपना कर्म चक्र पूरा करके सभी आत्माओं को मुझ में ही विलीन हो जाना है, मुझ में ही समा जाना है। सभी आत्माओं का एकमात्र लक्ष्य है उस परम तत्व सत्य को जान जाना। दुख की बात तो यह है, संसारिक चकाचौंध में सभी अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाते हैं। किसी को भी ज्ञात नहीं रहता, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं, क्योंकि उन्हें भी अपना कर्म चक्र पूरा तो करना ही है। किंतु तुम भी अभी कर्म चक्र में बंधे हुए हो। तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व अच्छे कर्म तुम्हें फल देंगे, वहीं दूसरी तरफ बुरे कर्म तुम्हें दुख भी तो देंगे। क्या इसका आभास तुम्हें नहीं है? कर्म फल सभी जीवों को स्वयं ही भोगना पड़ता है, मेरे प्रिय बच्चे। किंतु प्रसन्नता की बात यह है कि तुम अपनी चेतना के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर बढ़ रहे हो। आखिर कब तक तुम जन्म मृत्यु के इस चक्र में बार बार इस दुख के लोक में भटकते रहोगे? कब तक अपने वास्तविक सत से भागते रहोगे? परम आनंद तो ईश्वर की गोद में है, जहाँ अनंत प्रसन्नता वर्तमान में ही व्याप्त रहती है। तुम धारा पर रहते हुए भी उस परम आनंद का कुछ अंश महसूस अवश्य ही कर सकते हो। बस तुम्हें शक्ति के मार्ग पर चलते रहना है। ऐसे ही चलते रहो अपने दिव्य और सत्य के मार्ग पे। एक बार नाम स्मरण करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर देखो तो तुम्हें उनसे अधिक सुख संसार की किसी भी वस्तु में नहीं मिलेगा।
मेरे बच्चे, तुम संदेह क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता है? तुम्हारे पिता पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, क्या यह सत्य तुम नहीं जानते हो? फिर वह कौन सी वस्तु है जो तुम्हें नहीं दी जा सकती है? अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान अपने नेत्रों के बीच केंद्रित करो। जो प्रकाश तुम्हें बंद आँखों से नजर आता है, वही वास्तविक सत्य है, जिस सत्य से तुम भाग नहीं सकते हो। खुली आँखों से देखने वाला तो पूरा संसार एक छल है, मात्र एक छल। तुम्हें जब भी मार्ग नजर ना आए, तब अपनी आँखों बंद करके अपना पूरा ध्यान नेत्रों के बीच केंद्रित करना एवं मेरा स्मरण करना, मेरा ध्यान करना, तुम्हें सदैव सही मार्ग नजर आने लग जाएगा। अब तो तुम प्रसन्न हो ना, तो चलो अब इसी बात पर जल्दी से मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को शुद्ध और दिव्य पवित्र कर देती है। इसलिए मुस्कुराने पर इतनी कंजूसी क्यों? मुस्कुराओ, मेरा हाथ थामे रखना। तुम जब भी मेरा ध्यान करोगे, मुझे अपने समक्ष ही पाओगे। मैं तुम्हारे पास ही तो होता हूँ। मेरे बच्चे, अपना ध्यान रखा करो। मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।